सदगुरु की साजी नवाजी गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन रंका जी। प्यारी प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है हर बिन कोई न साथी दूजा। प्यारी सत्संगत जी, इस दुनिया में हमेशा कोई नहीं रहता है निरंकार के सिवा। हर पल हर घड़ी हमारे साथ केवल ये भगवान होता है, ये निरंकार होता है। इसलिए हमने अपने मन का नाता हमेशा प्रभु परमात्मा के साथ जोड़े रखना चाहिए। हरि के रंग में मन को रंग देना चाहिए परमात्मा के सिवा, और कहीं भी हमने मन को लगाया तो धोखा है और धक्का है। निरंकार के आगे धक्का है। अगर हम निरंकार को भूल जाते हैं ना, परमात्मा को भूलते ही प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। इसीलिए संत महात्मा बलि पीर पैगंबर ये बात समझाते हैं कि परमात्मा से नेह लगा लो, परमात्मा से प्यार कर लो। सच्चा साथी है परमात्मा, हमेशा हर पल हर घड़ी हर हाल में यही साथ रहता है। बाकी सारा संसार आज नहीं तो कल साथ छोड़ेगा। संसार से नेह लगाओगे तो बाद में पछताओगे, क्योंकि जब दुनिया से संसार से आसक्ति हो जाती है तब जाकर हमारा मन जो है ना दुखी होता है। मन को दुख होता है जब किसी का साथ छोड़ता है संसार में। कोई बहुत ही हमारा प्रिय व्यक्ति है, उससे हमारी नेह लगी है, और जब वो साथ छोड़ देता है तो बहुत दुख होता है। संगी साथी सब मतलब के सिर्फ एक गमखार गुरु, दुनिया के सब रिश्ते झूठे सच्चा रिश्तेदार गुरु, धन दौलत ढलती छाया अचल रहे दातार गुरु, बाकी सभी सहारे झूठे सच्चा है पतवार गुरु। अहे सदगुरु को जो पूजे उसकी शान निराली है, कहे अवतार गुरु भी सब कुछ लगता खाली खाली है। कि गुरु के बिना सब बेकार है, हरि के बिना सब बेकार है, भजन कीर्तन सत्संग सेवा सिमरन के बिना कुछ भी काम नहीं आने वाला। जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके भजन कीर्तन सत्संग सेवा सिमरन करते रहे हम। परमात्मा की याद एहसास में जो पल बीते यही जीवन है। परमात्मा को भूल कर जो पल हम गुजारते हैं वो सब बेकार है, वृथा है। संसार जी कहते हैं बंदे का है वृथा सोच में अपना समय गंवाता है। याद हरि को पल पल कर ले काम यही बस आता है। जिसकी आज्ञा निस्तिन चलती सूरज धरती पानी पर, जिसकी आज्ञा निस्तिन चलती दुनिया के हर पानी पर, जिसकी आज्ञा बिना जगत में पत्ता भी नहीं हिल सकता, जिसकी आज्ञा बिना जगत में एक तिल भी नहीं मिल सकता, जो ये कुल मखलूक बना के आप ही इसको पाल रहा, जो ये कुल परपंच रचा के सारा खेल संभाल रहा, तेरी चिंता यही करेगा नाम इसी का दयाजा, कहे अवतार गुरु से मिलकर इसके ही गुण गाए जा। हरि बिन जीवन जाय वृथा, सुनो सुनाओ हरि कथा, हरि की कथा। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर हरि कथा होती है, भजन सिमरन में हरि की कथा गाई जाती है, चाहे वो गीत के माध्यम से हो या प्रवचन के माध्यम से हो। हरि की कथा गुरु का गुणगान किया जाता है, जितना ज़्यादा हो सके हमने गुरु का गुणगान गाना है, सुनाना है, सुनना भी है सुनाना भी है, और कर्म में भी लेके आना है, जीवन में भी बसाना है हरि को। हर बिन कोई न साथी दूजा, हर की अपने कर्मों से कर लो पूजा, कर्म ही पूजा है। कर्म मनने वाधिकार हस्ते मा फलेशु कदाचनम, भगवद्गीता में एक सारांश है कर्म का, कि कर्म करना है और फल की चिंता नहीं करना, फल की आशा नहीं करना है। फल भगवान के हाथ में है, हमने ईमानदारी के साथ अपने कर्म करना है, अच्छे रास्ते पर चलना है, अच्छा काम करना है, सेवा नेकी परोपकार परमार्थ की डगर पर चलना है, अच्छा इंसान बनना है, और केवल भक्ति ही काम आएगी अंतकाल में। ये बात हमें याद रखना है, केवल भक्ति ही काम आएगी, बाकी सब कुछ इस धरा का धरा पर धरा रह जाएगा। हर बिन कोई न साथी दूजा, और सबसे भाग्यशाली पुरुष वो है जिसकी लगन हरि नाम में लग गई है, और सबसे दुर्भाग्य उसका है जो हरि को भुलाए बैठा है। हरि को जो भूलते हैं वो पाप कमाते हैं, और परमात्मा की याद करने से पुण्यकर्म अपने आप होने लगते हैं, करना नहीं पड़ता। अगर निरंकार जहन में है ना तो अच्छे काम अपने आप हो जाएंगे। तो सबसे भाग्यशाली पुरुष वही है जिसकी लगन हरि नाम में लग गई है, और सबसे दुर्भाग्य उसका है जो हरि को भुलाए बैठा है। हरि को जो भूलते हैं वो पाप कमाते हैं, परमात्मा की याद करने से पुण्यकर्म अपने आप होने लगते हैं। ये बात हमने याद रखना है, और हरि की कृपा से ही मन हरि में लगता है। अगर हम चाहें कि हम भक्ति कर लें तो पॉसिबल नहीं है, परमात्मा कृपा से भक्ति होती है, और माया बहुत प्रबल है, ये मन को अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन जब हम माया के स्वामी से नेह लगा लेते हैं, परमात्मा से प्रीत करते हैं, तो माया का जोर नहीं चलता। भक्त हमेशा भगवान में मगन मस्त रहते हैं।
भक्त की दुनिया केवल भगवान है। जो हरि की ओर आते हैं तो माया उनके पीछे पीछे आती है, और जो माया के पीछे पीछे जाते हैं ना, माया मार कर उनको खा जाती है। मन में जब हरि बस जाते हैं तब ये मन मंदिर बन जाता है, सारे तीर्थ देवी देवता सब संत की सेवा में लगे रहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जितना ज़्यादा हो सत्संग सेवा सेवन करते रहें, भजन कीर्तन करते रहें, अच्छा काम करते रहें, तो परमात्मा के साथ हमारे मन की तार अपने आप जुड़ जाएगी। और ये बात हमेशा दिल में बिठा के रखना है कि हरि के बिना कोई न साथी दूजा, दूसरा और कोई साथ देने वाला है नहीं। इस दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं सब कुछ दिन के लिए हैं। सच्चा साथी जो कायम दायम निरंकार है, तो हमने हर पल हर घड़ी हर हाल में केवल निरंकार के साथ जुड़ना है, निरंकार से प्यार करना है, निरंकार के बारे में सोचना है। आनंद मगन होने सुख पाओ तो ही तुम निरंकार करो, गीत इसी के पल छिन गाओ तो ही तुम निरंकार करो। हर पल हम तो ही तो निरंकार करें, इसके एहसास में रहें, और जो इसके एहसास में जीता है उसका जीवन सफल हो जाता है। सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।